Hello friends, welcome back to Tutelage Academy. My name is Richa Bharti and today we are going to discuss UGC NET 2021 previous year question paper for paper 1, and today is the third part for that. Part 1 and part 2 are already there, and I'll jump to the next question. Yes, so up to this questions we have already discussed in part 2, so I'll be starting now. Yes, we're starting with question number 2852. In how many years will a sum of rupees 800 at 10% per annum compounded semi-annually become 926.10? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए कुछ नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब जो है ना, वो अगर आप याद रखेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, अप टू 25 और अप टू 30 आप नंबर के स्क्वायर और क्यूब को याद करके रखिए. इट विल बी हाईली बेनिफिशियल. ओके, चलिए सॉल्व करते हैं. यस, फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 टू द पावर n, या फिर n अगर हम टाइम पीरियड लेते हैं तो n हो जाएगा. ठीक है, वी आर पुटिंग इट इनटू द फॉर्मूला. तो 800 इंटू 1 प्लस, यहाँ पे हम n को क्या काउंट कर रहे हैं, हम हाफ लेट कंसिडरिंग n एज 6 मंथ्स. ठीक है, कंसिडरिंग n एज 6 मंथ्स, 1+10% पर एनम का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. फॉर 6 मंथ्स के लिए 5% होगा, राइट. और बाय 100 टू द पावर n इज इक्वल टू हाउ मच, 926.10. ठीक है, अब क्या हो गया इसका. यस, 800 इंटू 105 बाय 100 टू द पावर n इज 926.10. ओके, आई राइट है. सो 800 इंटू, और इसको जो है ना, अगर आप कट करोगे तो 21/20 आ जाएगा. 21/20 टू द पावर एन इज 926.10, एंड देन वी हैव 21/20 टू द पावर एन इज इक्वल टू 9261/8000. कैन वी राइट लाइक दिस? यस. सो वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम हियर कि ये 20 का क्यूब है. यस, एंड दिस इज द क्यूब ऑफ 21. दिस इज द क्यूब ऑफ 21. अगर आपको याद रहता तो आपको दिख जाता क्वेश्चन में कि ओके, दिस इज द क्यूब ऑफ 21, और आप इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को इस स्ट्रक्चर पे ले आओगे अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. आप फॉर्मूला को याद कीजिए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और स्क्वायर और क्यूब को याद रखिए. कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपके इजिली बन जाएंगे. सो आवर आंसर इज n इज इक्वल टू थ्री, राइट. एंड देन यस, एंड बिकॉज इट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, हमने n को 6 मंथ्स लिया था, तो आवर आंसर विल बी 3/2 ईयर्स. क्लियर? ओके, आई विल चेक द कमेंट सेक्शन वंस. किसी को कोई भी डाउट होगा तो तुरंत कमेंट कीजिए. नेक्स्ट देखिए, मॉडलिंग इज अ डायरेक्ट टीचिंग एक्टिविटी दैट अलाउज स्टूडेंट्स टू इमिटेट फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेशन और इन्फर फ्रॉम ऑब्जर्वेशन द बिहेवियर टू बी लर्न. आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस फॉर मॉडलिंग, राइट. यहाँ पे एक मॉडलिंग के प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया है जो कि एक टीचिंग एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी में क्या होता है, स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन को देख करके बिहेवियर को इमिटेट करते हैं, या फिर ऑब्जर्वेशन को देख करके इन्फ्लुएंस निकालते हैं, और इस तरीके से जो भी बिहेवियर उनको लर्न करवाना चाहिए वो प्रोसेस कंप्लीट होता है. तो आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फॉर मॉडलिंग. यस, आपने भी देखा होगा दैट यू आर इन वर्कशॉप, लेथ मशीन इज वर्किंग एंड यू आर ऑब्जर्विंग इट, यू आर इन्फरिंग फ्रॉम इट. ठीक है, और अगर पायलट ट्रेनिंग दी जाती है उसमें डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि कैसे कैसे आपको काम करना है, राइट. तो उसका जो यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, देखिए, द फर्स्ट स्टेप शुड बी अटेंशन. फर्स्ट वी मस्ट फोकस ऑन व्हाट द मॉडल इज डूइंग. व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन, वी हैव टू पे द अटेंशन. ओके, and then we must be able to remember what we have observed. okay
what we have observed. तो आपको तो सबसे पहले ध्यान देना है, अगर कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके आपको एक्टिविटी शो की जा रही है जिससे आपको बिहेवियर को लर्न करना है, सपोज यू आर इन वर्कशॉप, लेथ मशीन इज देयर और आपको लेथ मशीन से कुछ अगर प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ अगर पार्ट्स कट किए जा रहे हैं किसी मशीन के, आपको वहाँ पे देखना है, तो आप पहले अटेंटिव हो गए, उसके बाद आप याद करोगे, रिटेन करोगे मेमोरीज व्हाट द टीचर इज डूइंग और व्हाट द ट्रेनर इज डूइंग. ओके, उसके बाद आप उसको प्रोड्यूस करोगे, मतलब अगर उसको उस एक्टिविटी को आप खुद से करके देखोगे कि आपको आपको समझ आया कि नहीं, राइट. यू मस्ट बी एबल टू परफॉर्म दैट बिहेवियर विच यू हैव ऑब्जर्व, यू मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस दैट बिहेवियर विच यू हैव ऑब्जर्व and then you get motivated, and when the learning is complete you get motivated to apply it, you get motivated to apply it, you get motivated to apply it in your daily life, you get motivated to instill it in your behavior, right. So hamara jo sequence hoga wo aisa ho jayega, yes, BDAC. Point number 2 will be our answer. Okay, chaliye moving to next question. Given below are two statements. A blended course is a traditional course of instruction incorporated with online materials and or intermittent online discussion. Very good, बिल्कुल सही है ये. Blended course में क्या होता है? Blended course मतलब online plus offline दोनों learning होती है blended course में, ठीक है. जैसे कि अभी आप UGC NET की इनफैक्ट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू आर वॉचिंग सम वीडियोज ऑनलाइन, यू आर गेटिंग guidance online, plus you have some books as well, from there you are studying, so that is a blended type of learning. Okay, so blended course bhi agar hota hai to aisa hi hota hai, jisme ki course of instruction mein hamare online materials hote hain, online discussion bhi ho sakta hai, kuch offline materials bhi aapke paas padhne ko ho sakte hain, so this is correct. A wiki is not a representation of collaborative tool and website where users assigned in group can create content collaboratively and where a teacher can monitor their work. In fact this statement is wrong. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. विकी में क्या होता है, विकी में कुछ यूजर्स होते हैं जो कि कोलैबोरेट करके इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, चेक करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, वहां पे कोई मेंटर भी होता है जो उनको काम को मॉनिटर करता रहता है. सो इट इज रॉन्ग, यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज इनकरेक्ट. करेक्ट पॉइंट नंबर 3. कोई भी डाउट होगा आपको इमीडिएटली कमेंट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट एक्सपेक्ट टू हैव एवरीथिंग बटनड अप इन योर माइंड बिफोर हैंड. दिस इज वेरी मच ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, डिलीवरी ऑफ अ स्पीच, कंडक्टिंग एन इंटरव्यू और सप्लाइंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. हर चीज आप अपने माइंड में स्ट्रक्चर्ड रहते हो. फर्स्ट आई विल डू दिस, देन आई विल डू दिस, देन आई विल आस्क दिस, देन आई विल राइट दिस. Everything is structured step by step. ये this is very much true. तो अगर आप ऐसा expect नहीं कर रहे हो तो कहाँ होगा, article writing में रहता है? नहीं, article writing में एक particular procedure होती है, particular method होता है. पहले आप introduction दोगे, then method, then as per the procedure you have to do. यहाँ नहीं होगा. delivery of speech में भी अपने mind में frame तैयार करते हो कि आपको क्या deliver करना है. पहले आपको introduction बोलना है, उसके बाद आपको जो main point को cover करना है, फिर conclusion बोलना है. supplying background information में भी more or less ऐसा ही होता है. but conducting an interview, if you are an HR person, you are conducting an interview, you have to be flexible enough कि आप candidate के true potential को जान पाए, आप check कर पाए कि whether he is fit for the job or not, or fit for this, fit for the position or not. So conducting an interview, you cannot have everything buttoned up, you know, in your mind beforehand. ये interview में नहीं हो सकते. यहाँ पे आप step by step कौन सा question पूछोगे, सबसे एक ही question पूछोगे, वैसा भी नहीं होगा. हर किसी से आप अलग अलग question पूछोगे depending upon the answers. तो इसलिए हमारा answer यहाँ पे क्या हो जाएगा, point number 3, यहाँ पे आपको creative and flexible enough होना पड़ेगा. Okay, that is why the answer is point number 3. Next question number 4. Next question, which of the following file format contains exclusively the ASCII file format? ASCII का full form क्या होता है? American Standard Code for Information Interchange. Okay, let's see the full form of these as well. PDF का full form क्या होता है? Portable Document Format. Correct, ठीक है. RTF, Rich Text Format. Okay, JPG, in fact JPEG हम कह सकते हैं. Joint Photographic Expert Group. या फिर ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप. सीएसवी क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज.
okay, remember this as well, this may be asked text to, okay, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. तो इसमें से कौन सा फाइल एक्सक्लूसिवली ASCII फॉर्मेट में होता है? देखिए, एक होता है बाइनरी फॉर्मेट, एक होता है ASCII फाइल फॉर्मेट. तो ASCII फाइल फॉर्मेट में क्या होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, ए बी सी डी ई, या फिर ये फाइल ही है मान लीजिए, ये तो खैर पीडीएफ है, तो मान लीजिए इसके भी अगर इनकोडिंग की गई है तो वो कैरेक्टर इनकोडिंग ASCII फाइल ASCII फॉर्मेट में होता है. जो कैरेक्टर की इनकोडिंग होती है वो ASCII फाइल में होता है, और ASCII फाइल फॉर्मेट स्पेशली फॉर टेक्स्ट टेक्स्ट इनकोडिंग के लिए इसको यूज किया जाता है. जो इसमें टेक्स्ट की इनकोडिंग होती है वो ASCII के फॉर्मेट में होती है. ओके, जो ASCII के, जो ASCII में जो कैरेक्टर इनकोडिंग है ना, उसी के अकॉर्डिंग टेक्स्ट की इनकोडिंग होती है टेक्स्ट फाइल में. तो इट इज यूज फॉर टेक्स्ट फाइल इनफैक्ट. तो ये टेक्स्ट तो होगा ही होगा. तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट कंटेंट्स एक्सक्लूसिवली ASCII फाइल फॉर्मेट? तो TXT में भी ASCII फाइल फॉर्मेट यूज होता है, CSV में भी इनफैक्ट ASCII फाइल फॉर्मेट होता है, कॉमा सेपरेटेड फाइल्स, ऑल्दो ये हमारा एक्सेल में ओपन होता है, बट स्टिल यहाँ पे भी ASCII फाइल फॉर्मेट ही होती है. इसमें जो कैरेक्टर की इनकोडिंग होती है वो ASCII फॉर्मेट में होती है, इस फाइल में, बाइनरी फॉर्मेट में नहीं होती. साथ ही साथ आपका जो डी और CX है वो भी ASCII फाइल में आ जाएगा, ठीक है. फिर एक होता है .DAT, वो भी ASCII फाइल फॉर्मेट में आता है, और हमारा क्योंकि टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट इसमें आएगा तो RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट भी ASCII फाइल फॉर्मेट में आता है, नॉट PDF एंड नॉट JPEG. ओके, सो आर आंसर विल बी BD and E, पॉइंट नंबर 2. क्लियर है? राइट, ओके, नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, द नेशनल वाटर मिशन अंडर क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्स टू इम्प्रूव वाटर यूज एफिशियंसी बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाइमेट एक्शन प्लान है, क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट एक्चुअली हैज हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स? इट एक्चुअली हैज एट प्रोजेक्ट्स. ओके, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. या वन सेकंड, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर 8 मिशंस है. देयर आर 8 मिशंस इनसाइड इट, एंड वन ऑफ द मिशन इज नेशनल वाटर मिशन. वन ऑफ द मिशन जो इसमें है वो है नेशनल वाटर मिशन, जो कि कब स्टार्ट हुआ था, 2011 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, ओके, बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने स्टार्ट किया था नेशनल वाटर मिशन को, कब, 2011 में. और इसके अंदर, नेशनल वाटर मिशन के अंदर 5 गोल्स हैं. कितने गोल्स हैं? 5, ठीक है. और जो फोर्थ गोल है वो है आपका क्वेश्चन, कि दिस द फोर्थ गोल सेज दैट इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी बाय 20%. दिस इज द फोर्थ गोल ऑफ नेशनल वाटर मिशन इंट्रोड्यूस्ड इन 2011 बाय NAPCC, जिसमें के 8 मिशन है एंड नेशनल वाटर मिशन इज वन ऑफ द मिशन. राइट, ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, UGC हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन. बिल्कुल सही है, ओके. यूजीसी इनफैक्ट कब स्टार्ट हुई थी? यूजीसी स्टार्ट हुई थी 1953 में, और उस समय जो पर्सन थे इसको स्टार्ट करने के पीछे, जो जिनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद. एंड देन इन 1956 हमारा UGC जो है वो अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टार्ट हुई थी. राइट, उस UGC एक्ट 1956 हमारा जो UGC है वो अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रीस्टैब्लिश हुआ था एज UGC एक्ट, ठीक है, 1956 में. ये तो बिल्कुल सही है. द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज एम्पावर टू डिसाइड द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द फैकल्टी. नहीं, ऐसा नहीं है. इसमें क्या होता है कि जो भी रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी होती है, उसका जो भी क्वालिफिकेशन होता है, सारा काम कौन करता है? UGC ही करती है, ठीक है. UGC स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये जितना भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं यूनिवर्सिटीज के, सारा UGC ही बनाती है, ठीक है. तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 विल बी ट्रू. तो पॉइंट नंबर 3 आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सोलर सेल
base material in order of their band gap energy. Very very important question. इस topic से भी कई बार question पूछा गया है, ठीक है? बार बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ इस टॉपिक से डेटा को चेंज करके कई बार यूजीसी क्वेश्चन पूछती है पेपर वन में. तो सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल एक्चुअली व्हाट सोलर सेल डू? सोलर सेल एक्चुअली जो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट को यूज करते हैं और जो एनर्जी ऑफ लाइट होती है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. हाउ? विद द फोटोवोल्टाइक इफेक्ट. ओके, तो जो हमारे जो मटेरियल्स जो यूज होते हैं सोलर सेल में, सिलिकन है, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है, कैडमियम सल्फाइड है, तो बैंड गैप एनर्जी से उन देखा जाता है कि उनकी सेमीकंडक्टर की कैपेसिटी कितनी है. ठीक है, तो बैंड गैप एनर्जी क्या होता है? जो एक एनर्जी गैप होती है, सबसे पहले तो क्या होता है एनर्जी गैप. एनर्जी गैप क्या होता है कि जो भी मटेरियल्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो जो गैप होता है जिसमें जिसमें की एनर्जी फील्ड नहीं होती, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच के गैप में जो एनर्जी गैप होता है ना, दो इलेक्ट्रॉन्स के फील्ड में, दो इलेक्ट्रॉन्स के फील्ड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है दैट इज कॉल्ड एनर्जी गैप. और एनर्जी गैप से हमारा बैंड गैप बनता है. ठीक है, तो इट्स फॉर वेरी सिंपल टर्म्स में आप बता रही हूँ कि बैंड गैप क्या होता है. जो एनर्जी गैप दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है उसी से हम बैंड गैप को कैलकुलेट करते हैं. और सिलिकन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, कैडियम सल्फाइड, तो जो बैंड गैप एनर्जी है उसको मेजर किया गया है. एंड फॉर सिलिकन इट इज 1.1 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड फॉर जर्मेनियम इट इज 0.7. फॉर गैलियम आर्सेनाइड इट इज 1.42. आप वैल्यूज याद भी कर सकते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा. कैडियम सल्फाइड में होता है 2.42. इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो बैंड गैप एनर्जी अगर हमें देखने को मिलती है तो वो मिलती है कैडियम सल्फाइड में. हमारा आंसर हो जाएगा यस, DCAB. ओके, DCAB. सम अदर मटेरियल ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू रिमेम्बर, देखिए एक होता है ZnSe, जिंक सेलेनियम, इसकी होती है 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर ये वाला भी ऑप्शन होता तो इसका सबसे ज्यादा बैंड गैप एनर्जी होता. ठीक है, एंड देर इज वन मोर CdTe, इसका कितना होता है 1.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. सो इफ यू विश यू कैन रिमेम्बर, यू कैन नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स फॉर योर रेफरेंस. ठीक है, सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. Moving to next question, math list 1 with list 2, very easy. UGC is related with general education. AICTE, कहीं भी technical education का नाम आया, All India Council for Technical Education, AICTE होगा. NCTE किस लिए होगा? Teacher education के लिए. और MCI किस लिए होगा? Medicine के लिए. Very simple. अगर यहाँ पर school education होता, अगर यहाँ पर स्कूल एजुकेशन होता तो हम किस बॉडी का नाम लेते? क्विकली, NCERT. NCERT, करेक्ट. सो या आई विल बी टेकिंग द डाउट्स एट द एंड ऑफ द सेशन. ओके, लेट्स, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा A3. वेरी सिंपल. नाउ वी हैव वन पैराग्राफ और उसके बाद ये सेशन, ये क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा. राइट, चलिए. सो वी विल टेक अ मिनट टू रीड दिस पैराग्राफ ताकि क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर सके, समझ सके. पुअर सेल्फ इमेजेस पे ये पैराग्राफ है, काफी अच्छा पैराग्राफ है. या सो आई विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस नाउ. पुअर सेल्फ इमेजेस आर द प्रोडक्ट ऑफ. पुअर सेल्फ इमेजेस अगर होता है तो क्यों होता है, किस कारण होता है, किसका प्रोडक्ट है? तो पहले सेंटेंस में हमें आंसर मिल जा रहा है. इट इज क्रिएटेड व्हेन टीचर्स और पीपल इन अथॉरिटी और इवन द जनरल पब्लिक दे कम इन कॉन्टेक्ट विद सम अनप्रिविलेज्ड मेंबर इन अ सोसाइटी इन अ मैनर दैट प्रोड्यूसेस इंफीरियरिटी फीलिंग इन देम. वो लोग जो होते हैं ना, ये टीचर और पेपर और कुछ जनरल पब्लिक भी, वो अनप्रिविलेज्ड मेंबर ऑफ द सोसाइटी से रिलेट होते हैं इस तरीके से कि उनके अंदर एक इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आती है. तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड इनफीरियोरिटी फीलिंग्स. जो कॉन्ट्रैक्टेड इनफीरियोरिटी फीलिंग्स होती हैं उन्हीं से इनफैक्ट क्या होता है, पुअर सेल्फ इमेजेस जनरेट होते हैं. और जनरेट करने वाले कौन लोग होते हैं? टीचर्स, पीपल इन अथॉरिटी और इवन द जनरल पब्लिक. ठीक है, करेक्ट.
okay, जो ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्टर मतलब क्या हो गया, जो ऑलरेडी आपके इनसाइड कहीं ना कहीं थोड़ी सी it is situated inside your mind, it is hidden, but and they these people exaggerate that feeling, these people exaggerate that feeling, they produces that feeling in you. Next question. When people start castigating themselves, they castigating मतलब क्या होता है, castigating मतलब reprimand मतलब हो जाता है कि to punish very severely और to chastise very severely, ठीक है, बहुत ज्यादा डांटना, बहुत ज्यादा punish करना. तो many people do this when they castigate themselves because they can't remember everything they hear and everybody they meet, which brings us to the cause of untrained memory. देखिए इसके पहले का क्या line है. Once the poor self-image slide start, the natural tendency is to feed the inferiority feeling. एक बार poor self-image वाली slide start हो जाती है, ठीक है. Suppose anybody is trying to create poor self-image of you, तो once that it start, आपका नेचुरल टेंडेंसी क्या हो जाता है, यू स्टार्ट फीडिंग योर इनफीरियोरिटी फीलिंग. आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन सही बोल रहा है, शायद मेरे में ही कुछ मिस्टेक है. तो मेनी पीपल डू दिस व्हेन दे कास्टिगेट देमसेल्फ बिकॉज दे कांट रिमेम्बर एवरीथिंग, क्योंकि आपको आपकी अचीवमेंट आपको याद नहीं रहता. सामने वाले ने अगर आपको इन्फीरियोरिटी फील कराया है तो देन यू स्टार्ट फीडिंग, देन यू व्हाट यू डू, योर नेचुरली टेंडेंसी इज टू फीड द इन्फीरियोरिटी फीलिंग. तो व्हेन पीपल स्टार्ट कास्टिगेटिंग देमसेल्फ दे this self feed the inferiority feeling that is written here. Okay. Yeah. Next question. The passage seeks to focus on the importance of. Passage किस चीज का importance बता रहा है? The passage बता रहा है सबसे पहले तो self images कौन create करता है, कैसे create करता है, और हमारा जो नेचर है उसमें टेंडेंसी है कि पुअर सेल्फ इमेज इज द टेंडेंसी टू कंफ्यूज फेलियर इन अ प्रोजेक्ट विद अ फेलियर इन लाइफ. ठीक है, तो इस तरीके से एक बार जब पुअर सेल्फ इमेज स्टार्ट होती है तो फिर इनफीरियोरिटी फीलिंग्स को पर्सन खुद फीड करने लग जाता है, क्योंकि उसका माइंड भी उसी की तरह जो सामने वाले जो लोग हैं, जो लोगों ने उसे इनफीरियोरिटी फील कराया है उसी की बात मानने लग जाता है. परफेक्ट मेमोरी डज नॉट एग्जिस्ट. The person who cannot remember is infinitely better off than the one who can't forget. These two thoughts are temporarily comforting, but do not hang your hat onto them. So, कोई भी good memory या bad memory नहीं होता, it is either untrained memory or trained memory. So, यहाँ पे फिर mind की बात की गई है, and experience has nothing to do with ability. इससे फिर खत्म किया गया passage, right? So, passage जो है वो overall किसके around move कर रहा है? Factors determining self worth. लास्ट में गुड मेमोरी की बात की गई है, अनट्रेंड माइंड की बात की गई है, लास्ट में जो सेंटेंस बताया गया है वो एक्सपीरियंस सजेस्ट एबिलिटी, लेकिन ओवरऑल द पैसेज इज मूविंग अराउंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इमेज सेल्फ, उससे रिलेटेड ये सारी चीजें हैं. ओके, या शुरुआत भी इसी से हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ग्रेट माइंड इंडिकेट्स. ग्रेट माइंड में क्या होता है? ठीक है, देखिए यहाँ तक हमने इनफैक्ट पढ़ा था. Many people do this when they castigate themselves because they can't remember everything they hear and everything they meet, which brings us to the cause of untrained memory. आपको लगता है कि आपकी memory बिल्कुल भी untrained है, right? For the moment, there are two warming thoughts which can give you a lot of comfort. Comfort के लिए दो warming thought होते हैं. पहला, a perfect memory does not indicate a great mind any more than a huge dictionary. Okay. Second, the person who cannot remember is infinitely better off than the one who can't forget. So these two thoughts are temporarily comforting. ये दोनों thought temporarily comforting हो रहे हैं. But there is no such thing as good memory or bad memory. It is either trained or untrained. तो great mind में कोई good memory या bad memory नहीं होती. Great mind indicates trained or untrained mind. ठीक है, कुछ भी good memory या bad memory mind में कि ऐसी चीज नहीं है. हाउ मच यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड, हाउ मच योर माइंड इज इनफैक्ट अनट्रेन्ड, दैट डिसाइड्स व्हाट, दैट डिसाइड हाउ मच ग्रेट अ माइंड इज. तो पॉइंट नंबर 4 होगा हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पेपर 1 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इट्स आल्सो. व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन टू द पीपल ऑफ द पीपल टू फेलियर्स.
फेलियर से नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, सिंपल यहाँ लिखा है, अ चाइल्ड हु फेल्स अ सब्जेक्ट इन स्कूल और हु डज नॉट मेक द टीम मेक्स द मिस्टेक ऑफ आइडेंटिफाइंग अ सिंगल फेलियर विद फेलियर इन लाइफ इटसेल्फ. कैसा होता है, अगर कोई बच्चा है वो किसी स्कूल में किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया, या कोई पर्सन है जो कि एक टीम में इंक्लूड नहीं हो पा रहा है, टीम नहीं बना पा रहा, तो इससे क्या होता है कि एक सिंगल फेलियर को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसे, फेलियर इन लाइफ. फेलियर इन लाइफ तो नॉर्मल पीपल, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ पीपल टू फेलियर इज प्रोजेक्टिंग अ सिंगल फेलियर एज फेलियर इन लाइफ. पॉइंट नंबर 3 इज आवर आंसर. या यहाँ से पेपर 2 स्टार्ट हो जा रहा है एंड पेपर 2 दिस सेट्स आल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर. आई होप यू लाइक दिस थ्री सेशंस ऑन पेपर 1 फॉर दिसंबर 2021. इफ देयर इज स्टिल एनी डाउट एनी कंफ्यूजन यू कैन कमेंट एनी टाइप एंड वी विल लव टू सॉल्व योर डाउट्स. या थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम.